सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यत्तु कमेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तदरायसं उदाहृतम्। अर्थात भोगों की इच्छा से और अहंकार के कारण कर्म किया जाता है, अहंकार से भोगों की इच्छा, भोगों की इच्छा से अहंकार, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। क्रियते बहुरायासं तत्रासं उदाहृतम्, और ये सब जो किए जाते हैं ये काफी परिश्रम से किए जाते हैं, इसलिए ऐसे कर्म को राजस कर्म कहा जाता है। तो भगवान यहां पर यह कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य को बहुत ही ज्यादा चीजों की कामना होती है, बहुत धन की कामना हो गई, बहुत जन की कामना हो गई, या बड़े पद की कामना हो गई, बहुत भोगों की कामना हो गई, यानी किसी भी प्रकार की कामना जब बहुत हो जाती है, और ये सब सारी कामनाएं जो है अहंकार के कारण होती है, तो अहंकार बहुत प्रबल हो जाता है, और अहंकार जब प्रबल हो जाता है तो कामनाएं भी बहुत प्रबल होती है। यानी जितनी बड़ी जितना बड़ा अहंकार होगा व्यक्ति का, वो उतना ही बड़े से बड़ा काम करना चाहेगा, अधिक से अधिक भोगों की प्राप्ति करना चाहेगा, अधिक से अधिक वह धन बटोरना चाहेगा, पद बटोरना चाहेगा, मनुष्यों को बटोरना चाहेगा, उनका नेता होना चाहेगा, और अधिक से अधिक बड़ी उपलब्धि वह हासिल करना चाहेगा। और जब इतनी बड़ी उसकी कामना हो जाएगी और इतने बड़े अहंकार हो जाएंगे, छोटे बड़े की भावना हो जाएगी, ऊंच नीच की भावना हो जाएगी, गरीबी और अमीरी की बहुत प्रबल भावना हो जाएगी, तो अब इतनी बड़ी भावनाएं हो गई और इतने बड़े अहंकार हो गए और इतने चीजों की प्राप्ति करनी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कर्म उसको करने पड़ेंगे, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत छल कपट करने पड़ेंगे, तो हर तरह के अवगुणों को वह अपने में हासिल कर लेगा, क्योंकि काम को वह जल्दी पूरा भी करना चाहेगा, तो जल्दी भी पूरा करना चाहेगा, और काम हर तरीके से पूरा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो कई धूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, कई तरह के षड्यंत्र करेगा, तो झूठ भी बोलेगा, क्योंकि लोभ बहुत बढ़ गया है, कामनाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसमें बाधा आने पर क्रोध भी उसको बहुत होगा, और जब कहीं कोई बाधा आएगी तो उसको वह दूर करना चाहेगा, मिटाना चाहेगा, उसके लिए किसी व्यक्ति को भी मिटाना पड़ सकता है, यानी रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को हटाएगा, हर व्यक्ति को वह हटा देगा, इस तरह से उसके पाप के खाते बढ़ते चले जाते हैं। तो यह जब वो बहुत करेगा तो उसे काफी परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम जब वो करता है तो वो थकता नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा परिश्रम करता है, क्योंकि उसका ध्येय तो बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत बड़े पद पर पहुंचना है, बहुत जनों को बटोरना है, तो उसमें यह दुख सहने की क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ जाती है, और वो ध्यान नहीं देता है, रात दिन कभी भी वो काम करने के लिए तत्पर रहता है, तो किसी भी प्रकार का परिश्रम उसे थकाता नहीं है, क्योंकि कामनाएं इतनी बड़ी हो चुकी है, अहंकार इतना बड़ा हो गया, तो एकदम रात दिन वह
लगा रहता है। और जिसको शरीर की बहुत चिंता होती है तो वह इतना काम नहीं करता है। कामना तो है कि हमें मिल जाए, लेकिन साथ में आराम भी चाहता है, तो वैसे लोग बहुत परिश्रम नहीं करते। तो कामनाएं होने के बावजूद भी चूंकि आराम की भी कामना है, तो आराम की कामना जो है वह उपलब्धि की कामनाओं को घटा देते हैं। तो वह व्यक्ति काम तो नहीं कर पाता, आराम कर लेता है, लेकिन अहंकार और कामनाएं लोभ वृत्ति वैसे ही रहती है। तो आराम करते हुए जब वह किसी चीज़ को हासिल करना चाहेगा तो क्या करेगा, उसके लिए शॉर्टकट अपनाएगा, वह छल प्रपंच झूठ ये सब अपनाएगा, कई प्रकार के राजद्रोह अपनाएगा, समाज के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें हैं, मिलावटखोरी का काम करना, देश समाज को ही बेच देना, तो ये सब वह करेगा। तो इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो कार्य हैं, उसको भगवान ने यहाँ क्या कहा है, राजसम, यानी यही सब राशि कर्म है। कामनाओं का बहुत होना, भोगवृत्ति का होना, अहंकार का होना, प्रबल अहंकार का होना, बहुत परिश्रम करना या आलसी हो जाना, और आलसी होने के बाद भी कामनाएं वैसी होना, तो उसके लिए आसान तरीका शॉर्टकट रास्ते अपनाना और देश समाज सबको धोखा देना, यह हुआ कार्य करेगा। ये सब रास्ते कर्म है, यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। हरिओम।